भोजन भंडारे की सारी व्यवस्थाएं देखते हुए पूज्य गुरुदेव ग्राम कंजरी हालोल, ये भोजन भंडारे का पंडाल, यहाँ से सभी भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेंगे। आप सभी देख रहे हैं पूज्य गुरुदेव पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए, साथ में संत श्री सीताराम जी क्योंकि पूरी व्यवस्थाएं देखते हुए ये भोजन भंडारे के लिए बड़ा ही पंडाल लगाया गया है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पधारते हैं पूज्य गुरुदेव की कथा श्रवण करने के लिए, और उन सभी भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्थाएं रखी जाती है। आप सभी देख पा रहे हैं सुंदर व्यवस्थाएं यहाँ पे करते हुए गुजरात की पावन धरा पर भोजन भंडारे हेतु सुंदर हम सभी देख रहे हैं। पूज्य गुरुदेव भी सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए और पूरी व्यवस्थाओं का आनंद लेते हुए आप और हम देखते हैं सुंदर व्यवस्थाओं के साथ में भोजन भंडारा जो बनाने की व्यवस्था है वहाँ पे मैं आपको सभी को ले चलता हूँ। ये भंडारे के समान हेतु जिसमें भोजन परसा जाएगा बनाया जाएगा, सभी बर्तन रखे हुए हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं बड़े बड़े तपेले, और ये भोजन ले जाने हेतु दो ट्रालियां भी यहाँ रखी हुई हैं। आप सभी देख पा रहे हैं कि इन भोजन ले जाके इन पर इन ट्रालियों के माध्यम से सभी भक्तों के लिए वहाँ रखा जाएगा। वही देखिए ये जलाऊ लकड़ी जिससे कि ये सुंदर भोजन बनेगा। यहाँ पे बाकायदा पूरा व्यवस्था करते हुए साथ में भट्टियाँ यहाँ पे खोदी गई हैं, कई भट्टियाँ यहाँ बनाई गई हैं, आप सभी देख पा रहे हैं। आइए मैं आपको पास में ले चलता हूँ, भट्टियाँ किस प्रकार से घेरीकरण में बनाई गई हैं आप सभी देख पा रहे हैं। ये देखिए इस प्रकार यहाँ से भट्टियों में लकड़ी लगाई जाएगी और इन भट्टियों में सभी भक्तों के लिए सुंदर प्रसाद भोजन भंडारा बनाया जाएगा। कई भट्टियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, ये सभी भक्तों के लिए हजारों की संख्या में प्लेटें रखी हुई हैं और भोजन भंडारे का प्रसाद का क्रम चालू हो चुका है। आप सभी देख पा रहे हैं ये सुंदर गाठिए बनाए जा रहे हैं, बेसन लगाया जा रहा है और ये गाठिए तले जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए बड़े ही व्यवस्थाओं के साथ में क्रम चालू हो चुका है, लगभग भोजन की तैयारी। ये गाठिए आप सभी देख पा रहे हैं बन के तैयार हैं और जो भी तैयारियां चल रही हैं वे पूरे क्रम में नुक्ति का प्रसाद भी बनाया जा रहा है। हाथ में